दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लाखों साल पहले आदि मानव आखिर संभोग कैसे किया करते थे? आज के समय में देखा जाए तो एक पुरुष के एक ही औरत के साथ संबंध होता है, लेकिन पहले के समय में जब समाज नाम का कोई चीज होता नहीं था, तब ये आदि मानव आखिर कैसे प्रजनन किया करते थे? आज के समय से लाखों साल पहले जब जीवन की शुरुआत हुई, तब कई सारे जीवों की प्रजातियों का जन्म हुआ, और ऐसा माना जाता है कि ये बंदर ही हमारे पूर्वज हुआ करते थे, और उन्हीं में से एक बंदर की प्रजाति सारे बंदरों से काफी ज्यादा अलग थी, जिसमें विकास की प्रक्रिया काफी ज्यादा तेज थी, और ये शिकार करने के लिए अपने दो पैरों पर खड़े होकर भागने और चलने लगे, और इस प्रजाति में समय के साथ साथ काफी ज्यादा विकास आया। जैसे जैसे समय गुजरता गया, इनमें शारीरिक बनावट में भी काफी ज्यादा परिवर्तन आया। पहले के समय में आदि मानव अपने शरीर को ढका नहीं करते थे, लेकिन उनमें एक दूसरे के साथ रहने और एक दूसरे की मदद करने की भावना थी, जिसके कारण से ये एकजुट होकर रहते थे। ये लोग खाना के रूप में सारा दिन शिकार करते थे, लेकिन ये लोग रात के समय में ठंड और बारिश से बचने के लिए पहाड़ी गुफाओं का सहारा लेते थे। पहले के समय में आदि मानव के शरीर पर उतना खासा बाल नहीं हुआ करता था, जिसकी वजह से इन लोगों को ठंड और गर्मी से बचने के लिए रात के समय में गुफाओं में अपना जीवन बिताना पड़ता था, और इन प्रजाति को आदि मानव कहा गया। और इन लोगों के पहले के समय का शारीरिक विकास काफी अनोखा था। जैसे जैसे समय गुजरता गया, इन आदि मानव के दिमाग का विकास भी काफी तेज गति से आगे बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से वो सभी चीजों को आसानी से समझते चले गए, और ये आदि मानव पूरे दिन जानवरों का शिकार करके अपना जीवन व्यापन करते थे। लेकिन जानवरों का शिकार करने के लिए ना तो इनके पास पंजे थे और ना ही नुकीले दांत, जिसके लिए वो आदि मानव पत्थर और लकड़ियों का इस्तेमाल करके एक हथियार के रूप में जानवरों का शिकार किया करते थे। धीरे धीरे इन्हीं सारी चीजों से आदि मानव ने हथियार बनाना शुरू कर दिया, और जिन भी जानवरों का ये शिकार करते थे, उनके खाल को उतार कर ये कपड़े बनाकर पहना करते थे, यानी कि सर्दी और गर्मियों से बचने के लिए ये लोग उन खालों का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन उस समय में आदि मानव को अपने शरीर को ढकने की उतना खासा समझ नहीं थी, और न ही शारीरिक संबंध बनाने के लिए कोई नियम मालूम था। जिस प्रकार से जानवरों में एक नर की कई सारे मादाएं होती है, उसी प्रकार से आदि मानव में भी एक पुरुष के साथ काफी सारी आदि मानव महिलाएं प्रजनन करती थी, यानी कि संबंध बनाती थी, और वो आदि मानव महिलाएं ही अपने बच्चे की देखभाल करती थी, और धीरे धीरे यही तरीका आगे बढ़ता चला गया, और औरतें घर पर रहकर बच्चों को संभालने लगी। परिवार के जितने भी पुरुष होते थे, वो दिन में अपने शिकार ढूंढने चले जाते थे, और आदि मानव महिलाएं घर संभालती थी, और इस प्रकार से इनमें घर में रहने के नियम बनते चले गए। आदि मानव ने घरेलू जीवन के कई सारी चीजों को सीखा, जैसे कि खाना पकाना, मिट्टी के बर्तन को बनाना, पहिए का आविष्कार, खेती करना, और भी कई सारी चीजें तेजी से सीखते चले गए। और आज के समय से 2500 ईसा पूर्व मानवों का काफी विकास हो चुका था, ये लोग काफी सामाजिक हो चुके थे। लेकिन आज भी कई सारी जगहों पर ऐसे लोग और अनोखी जनजाति पाई जाती है, जिसका कुछ ज्यादा विकास नहीं हो पाता। वो आज भी बिना कपड़ों के ही अपना जीवन बिता रहे हैं, जंगलों में शिकार करते हैं, और उन लोगों में संबंध बनाने के कोई खास नियम नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।